हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज का मेरा जो वीडियो है उसका टॉपिक है मेरा बेडरूम टूर। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना बेडरूम। तो आप मुझे देखकर ये बताना कि आपको मेरा बेडरूम कैसा लगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको स्टेयर्स दिख रही हैं ये मेरे फर्स्ट फ्लोर पर जा रही हैं। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मेरा ये लेफ्ट साइड पे मेरा रूम है। सामने जो आपको डोर नज़र आ रहा है वो मेरी बालकनी की तरफ जाता है, और मेरे रूम की बाहर वाली वॉल पे ये तीन पेंटिंग्स लगी हुई हैं। और ये है स्टेयर के सामने वाली वॉल, और ये है मेरे बेडरूम का डोर। आपको थोड़ा दूर से भी दिखाती हूँ। तो ये बिल्कुल सामने है मेरा बेडरूम। तो चलिए, वेलकम टू माय रूम। तो ये है मेरा रूम। मेरे रूम में एंटर करते ही बिल्कुल सामने आपको एल शेप विंडो दिख जाएंगी। और ये है मेरी और मेरे हस्बैंड की फोटो है ये। इस पिक्चर के बिल्कुल नीचे हमने एक सोफा लगा रखा है, सिंगल सीटर। ये मेरा बेड है जो कि डबल साइड पे इसका हेडबोर्ड है, और ऊपर हमने वॉलपेपर लगा रखा है और लाइट्स लगा रखी हैं। इस बेड का जो डिज़ाइन है वो हमने खुद ही कस्टमाइज़ किया था। एक्चुअली हम बेड को सेंटर में रखना चाहते थे, पर स्पेस प्रॉब्लम होने की वजह से हमने ऐसे कॉर्नर में इसको ऐसा लुक दिया है। ये पूरा डिज़ाइन हमने खुद ही क्रिएट किया था और ऑर्डर पर तैयार करवाया था। ये है बिल्कुल सामने से मेरे बेड का लुक। डोर के बिल्कुल सामने वाली साइड से ऐसा दिखता है मेरा बेड। और ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सा पीकॉक का वॉलपेपर है। और बेड के बिल्कुल ऑपोजिट साइड, डोर वाली साइड पे ये अलमीरा है जो कि बिल्कुल सीलिंग तक है। डोर के साइड वाले कॉर्नर में ये ग्लास की शेल्फ लगा रखी है जिसपे हमने एक पिक्चर लगा रखी है, फोटो फ्रेम है एक। और ये नीचे एक शोपीस है, उसके ऊपर मैंने फ्लावर वास रखा हुआ है। तो इस अलमीरा से अगर हम सामने की साइड जाते हैं तो सामने जो आपको रास्ता दिख रहा है ये जाता है मेरे ड्रेसिंग रूम की तरफ, जहाँ पर हमने अपना ड्रेसिंग टेबल बनवा रखा है, वो भी फिक्स है। इस पे हमने पूरा फुल लेंथ का एक मिरर लगवा रखा है। और साइड में जो स्पेस है उस पे डेली यूज होने वाली आइटम्स यहाँ प्लेस करके रखी है, एक फोटो फ्रेम रखा हुआ है। ये है मेरे ड्रेसिंग टेबल का पूरा लुक। ऊपर एक क्लॉक है, ये इसकी सीलिंग है। ड्रेसिंग टेबल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है मेरा वॉशरूम। और जो सामने आपको वॉल दिख रही है उस पर भी वॉलपेपर लगवा रखा है बिल्कुल लाइट पर्पल कलर का, क्योंकि मेरे रूम का जो थीम है वो पर्पल ही है, पर्पल के ही सारे शेड्स लगा रखे हैं हमने। तो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलते बिल्कुल सामने आपको ये सोफ़ा दिख जाएगा जो कि डोर के पास है, आपने देखा है पहले भी। सोफे के ऊपर मैंने ये कुशन लगा रखा है बुद्धा जी का, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, वेलवेट का।
तो ये है साइड टेबल मेरे बेड का। साइड टेबल मैं बिल्कुल खाली रखना पसंद करती हूँ, तो ये साइड से टेबल पे के ऊपर वाली साइड पे हमने ये ग्लास लगवा रखा है। ग्लास के पीछे एक एलईडी लाइट है फुल साइज़ की, तो इससे काफ़ी अच्छी रोशनी मिलती है रूम को। ये वॉलपेपर के ऊपर वाली साइड जो है वुडवर्क किया हुआ है, उसके नीचे भी लाइट्स लगा रखी हैं। तो ये है दूसरी साइड का बेड साइड टेबल। इस पे मैंने एक छोटा सा शोपीस रखा हुआ है, एक कपल है ये। तो इसके ऊपर जो ग्लास है वो हमने लुकिंग ग्लास लगवाया है। तो इन सब के कारण सारे ग्लासेस वॉलपेपर, इससे मेरे कमरे का लुक बहुत अच्छा आता है। और ये है मेरी विंडोज़ के कर्टन, और अगर हम विंडो को खोल के देखें तो ये मेरी बालकनी है जिसमें मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स लगा के रखे हैं। तो अंदर से भी मेरे रूम को बहुत अच्छा लुक मिलता है, और बाहर से भी इन प्लांट्स की ग्रीनरी को देख के काफ़ी अच्छा फील होता है। इस विंडो से बिल्कुल सामने ये मेरा रूम का डोर है, और जो बिल्कुल सामने आपको दिख रहा है वो मेरे आउटसाइड जो आंगन है फर्स्ट फ्लोर का, उसका है डोर। तो ये मेरे रूम का एक 360 व्यू देखा होगा आपने। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं अपना, अगर आपने मेरे दूसरे बेडरूम का टूर भी देखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।